Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा हम पूरी फैमिली अपने गांव में आए हुए हैं, तो फिलहाल अभी तो ब्रश करते हैं, फिलहाल अभी धारे में आए हैं और उसके बाद प्लान है कहीं पे जाने का। यहाँ पर गाइज ब्रश करने का, मुंह धोने का और नहाने का एरिया हमारा ये है, मतलब यहाँ पे हम ब्रश करते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया ना, यहाँ पे ब्रश करते हैं और यहीं पे नहा लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे ब्रश पड़े हैं ना, ये इस तरह से ब्रश साबुन वगैरह रखने के लिए ये जगह है, और कपड़े वगैरह भी धो सकते हैं यहाँ पे, एकदम मस्त है, खुला खुला एरिया। तो फिलहाल मैं करूँगा फेस वॉश, नहाने का तो प्लान है नहीं, बिकॉज पानी इतना ठंडा हो रहा है ना, रात भर बारिश हो रही थी। तो गाइस हमारा काम तो हो गया है, बट ये पानी बहता हुआ देखना अजीब सा लगता है, हमको लगता है जाते हुए बंद कर दें, बट बंद कर ही नहीं सकते इसको। नहीं ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे नहीं रोकते पानी। ओ अम्मा, ओ माँ, हो गुड मॉर्निंग, उठ गए, हाथ मुंह धो लिया। हाँ, तो अभी पूरी फैमिली रेडी हो गई अच्छे से केक कट करने के लिए, 7 मिलियन वाला। कुनाली आज क्या है, बर्थडे नहीं है यार, 7 मिलियन है आज। तो ये हमारी पूरी फैमिली, यू सर कुनाली काटेंगे, हैप्पी 7 मिलियन। तो अभी 7 मिलियन केक हमने कट कर लिया है पूरी फैमिली के साथ में, काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल अभी हमारा प्लान है जाने का मंदिर बैजनाथ, पूरी फैमिली जाएंगे। तो अभी गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी यहाँ पे ताला लगा हुआ है, अभी ताला तो खुल गया, चलो मैं गाड़ी बैक करता हूँ। तो गाइस अभी सौरदे यहाँ से निकाल रहे गाड़ी, कल हमने यहाँ पर पार्क करी थी, बड़मी अम्मा मम्मी और अन्नू और ओरियो यहाँ पर खड़े हैं, गाड़ी यहाँ पर आएगी तो सब बैठेंगे और चलेंगे। तो गाइस अभी डिस्कशन हो रहा है कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा, जल्दी करो यार। ये देखो गाइस पूरा लैंडस्लाइड हो रखी है राइट साइड में, थोड़ी सी जगह है जाने की बस। ये देखो पूरा पूरा पेड़ गिर रखा है, जड़ से उखड़ रखा है। ओ भाई साहब, सभी अपने अपनी सीट बेल्ट लगा लो भाई। ये देखो गाइस इसको देख के तो डर लग रहा है, वापस कैसे आएंगे अपन बारिश आ गई तो। ये देखो पूरा जड़ से निकल रखा है, ये देखो इधर से पूरा नीचे आ रखा है। तो अभी हम यहाँ पे जाते चाचा जी काम करते हैं कोसानी शॉल फैक्ट्री में। तो यहाँ पे देखो चाचा जी की फोटो भी लगी हुई है, ये देखो चाचा जी की फोटो लगी हुई है बोर्ड पे, यहाँ भी है। तो ये है चाचा जी की जगह जहाँ चाचा जी बैठते हैं और काम करते हैं। ये देखो धागे है ना, ये धागे हैं, धागे से बनाते हैं शॉल। तो गाइस चाचा जी मस्त यहाँ पे शॉल बनाते हैं अपने हाथों से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने तो पहले भी देखा था, मम्मी तो फर्स्ट टाइम आई है देखने के लिए। तो अभी फिलहाल जूस पीते हैं बुरांस का। तो अब जब भी कौसानी आओ तो यहाँ पे आके आप हैंडमेड शॉल्स वगैरह ले सकते हो, वो भी पीयूष के पापा के हाथ की बनी हुई। आप बोल देना पीयूष के पापा के हाथ की बनी हुई चाहिए हमको। तो गाइस अभी जूस पी के आ गए और जूस बहुत टेस्टी था, सो अभी अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। कोई बिलीव ही नहीं कर रहा कि सौरदा गाड़ी चला पा रहा है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी दिक्कत हो गई है, अभी हमको बैक करनी पड़ेगी गाड़ी। चल 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 चल, मिशन पास, रिस्पेक्टेड प्लस। फाइनली पहुंच गए बैजनाथ, और ये यहाँ की नदी काफी मस्त लग रही है, किसी नहाएंगे ठीक है। हम तो अंडरवियर लेके आए हैं, बड़ी मी को पता भी नहीं कहाँ छुपाए हैं। मैं तो बड़ी मी का पर्स में डाल दिया। बड़ी मी के पर्स में डाल दिया, अच्छा बताऊंगा, बड़ी मी के पर्स में कच्चा डाल दिया इसने अपना। मम्मी आपके पर्स में चेक करो कुछ है। सास बहू साथ में चलते हुए बहुत टाइम के बाद, पर्स में चेक करो, अपने पर्स में चेक करो क्या है। तो यहाँ पहुँचते ही हमको बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मिल चुके हैं, मतलब ऐसी जगह पे भी काफी अच्छा लगा है, मतलब पहाड़ से ना मतलब सारे लोग देखते हैं। छोटा सा बच्चा दिल बना रहा है, ओ भाई क्या हो गया, ये वही बच्चा है जाने मेरी जाने मन वाला। बहुत गलत सीन है पीयूषी, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और ये यहाँ का मंदिर जो कि बंद पड़ा है, हम नहीं जा सकते। तो ये गेट है देखो लॉक लगा हुआ है कोविड की वजह से, बाकी बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पॉपुलर मंदिर है ये बैजनाथ मंदिर। ये जो मंदिर बना हुआ है देखो, एक एक पत्थरों से बना हुआ है, ये एक पत्थर, ये एक पत्थर, ये एक पत्थर, ये एक पत्थर, एक मतलब पूरा जो मंदिर है ना वो ऐसे ही बना हुआ है देखो। तो बारिश अभी काफ़ी तेज़ हो रही है और मंदिर भी बंद निकला, दोनों का पोपट हो गया, अब नहा नहीं पाएंगे हम, बारिश तेज होगी तो बारिश में नहीं नहा सकते ना। नहीं जा, अभी बारिश हो गई ना, कहीं तेज बारिश हो रही हो नदी इसमें आएगी तभी तो जाते हैं, कैसे नहा रहे हैं बच्चे, इनको डर थोड़ा है। अगर बारिश में ना नदी में जाना ठीक नहीं है, बिकॉज बारिश में एकदम से ना बेटा एकदम से तूफान पे आती है नदी। अरे
पीयूष पानी में क्या, मम्मी के पर्स में कच्चा लेके आया था। आगे स्वाद हो गया पोपट, नहा लिया पोपट करवा के वापस घर जाते हुए कुछ खिला दे यार, पोपट तो ही गया। यहाँ पे देखो इस तरह से पत्थर से बनता सब कुछ, ये पत्थरों से, ये सब कुछ पत्थरों से। तो फिलहाल अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। इन भैया ने हमको रास्ता दिखाया था, थैंक यू सो मच। बंद, हाँ बस अब मिलेगी ना शांति। तो खाने में हमने ऑर्डर किया राजमा चावल, कैसा हो रहा है घर जैसा है, सिंपल। क्या मस्त राजमा चावल थे, मज़ा आ गया, फुल एकदम घर जैसे थे, सही पेट भर गया। अब चलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ, एक मंदिर तो बंद निकला, होपफुली दूसरा खुला हो। बादल तो एकदम पूरे काले हो रखे हैं तो बारिश आ सकती है, इस साइड वाइट है, हमको जाना इस साइड है। ये जो रास्ता है ना, ये चार धाम वाला रास्ता है, यहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ सब आता है यहीं से। हमारा प्लान है केदारनाथ जाने का, लेकिन हम जाएंगे बाइक पे जल्दी ही। तो गाइस रोड काफी पतली हो गई है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ओरियो को अंदर रख लेना, अंदर है ना, और हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं मंदिर की साइड। वो एकदम से आई तेज बारिश, बाकी मजा आ रहा है ऊपर चढ़ने में। तो अभी गाइस हम मंदिर पहुंच तो चुके हैं, बट गाड़ी से उतर नहीं सकते, अगर गाड़ी से पैर भी बाहर रखा तो भीग जाएंगे। बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं फिलहाल, आज तो फंस गए, बारिश आ गई। रेनकोट लाना चाहिए था, सही रहता, फिर बारिश में निकल लेते। और वो क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और फिलहाल हल्की हल्की हो रही है बारिश। यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा है, यहाँ से पूरा फॉग ही फॉग आ रहा है ऊपर की साइड, मजा आ रहा है ना, एकदम ठंडा। तो ये मंदिर है, कोट मंदिर नाम है इसका। अरे उधर किधर जा रहे हो, अरे बहुत ऊपर है नहीं बजा पाएगा भाई, बहुत ऊपर है नहीं बजा पाएगा, बजा के दिखा, चल गिर जाएगा बेटे, फिसलना हो रहा है, गिर जाएगा। बजा तो दिया छोरे ने, चलो 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 चलो, बारिश फिर से तेज होगी, कुनाली आराम से भाई, इस वाले को तो बिल्कुल भी नहीं बजा पाएगा। बारिश काफी तेज हो रही है, हम आ तो गए यहाँ पे, रास्ते में आपने देखा था काफी लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे, तो बारिश में अब दिक्कत है हमको जाने में, लैंडस्लाइड मिल सकता है, फंस भी सकते हैं हम। तो गाइस ये देखो मंदिर में क्या हाल कर रखा है, आई लव निकिता, आई लव दिया, पूरा सब कुछ, मतलब यहाँ आके भी मम्मी, यहाँ आके भी इतनी बढ़िया जगह पे आके भी, मंदिर में आके भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं। ओ भाई साहब, इस दीवार पे तो पूरा, इस दीवार पे तो पूरा ही भर रखा है, देखो मंदिर को क्या बना दिया, ये देखना पूरी वॉल खराब करके रख दिया। यहाँ पर मजरू लैला आते और अपनी कलाकारी दिखा के आते हैं। ये क्या हो गया, ये क्या देख लिया हमने, छोटे बच्चे नहीं देखते। चल यहाँ पे खाना वाना बनाने के लिए भी है सही, लेकिन यार ऐसे नहीं करना चाहिए यार, हमारा उत्तराखंड के मंदिर ऐसे खराब कर रहे हैं। अरे वाह, यहाँ से है मस्त व्यू। तो ये जो व्यू है ना गाइज, वो मतलब फोन में जस्टिस नहीं कर सकता, इतना प्यारा, इतना प्यारा लिटरली। इस मंदिर में आगे देखना इस साइड, वहाँ तो चलो आशिकों ने खराब कर रखा है, बट जो ये वाला एरिया ना, यहाँ से जो व्यू है लिटरली, थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ, यहाँ से देखो क्या ही लग रहा है यार। ये जंगल देखो कितना प्यारा लग रहा है, बीच में जो हरी हरी घास है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे पेड़, बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके बिल्कुल टॉप पे चलते हैं, यहाँ तो मस्त टाइल्स लगी हैं यार, और इन सीढ़ियों से यहाँ से ऐसे जाते 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 हम यहाँ से ऊपर आए थे, बिल्कुल टॉप पे आए मंदिर। देखो पहाड़ के ये रोड दिख रहे हैं ना, देखो ये रोड वो रोड, वहाँ से घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आए हम, वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है, ये देखो ये रहा। ठीक है कुनाली, नहीं दिख रहा वो, देखो गाइस ये वाला मंदिर मैं सबको रेकमेंड करूंगा, प्लीज जरूर विजिट करना जब भी आप कौसानी हो। कौसानी से थोड़ा सा आगे है सिर्फ, कौसानी से आगे गरुड़, गरुड़ से थोड़ी सी आगे। अभी तो हमारे अलावा यहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं आया हुआ, क्योंकि बारिश हो रखी थी ना। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा जाने का यहाँ से, जल्दी जल्दी गाड़ी में चलो, जल्दी गाड़ी में, बारिश आ सकती है। चले मम्मी जी, तो अभी गाइस यहाँ पे बस फंस गई थी, तो इस ट्रक वाले ने निकाली है खींच के, वो देखो रस्सी बांध रखी है ना, इसलिए अभी हम भी वेट कर रहे हैं, जब ये निकलेगा तभी हम निकल पाएंगे, अदरवाइज हम भी नहीं निकल सकते। और यहाँ पे एक ट्रक गिरा हुआ है, पिछका पड़ा है पूरा, होपफुली के अंदर जो हो सब ठीक हो। उधर से गिरा हुआ है, उधर से ही गिरा, हाँ वहीं से गिरा, पोल भी टूटा हुआ है ना भाई, बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है भाई यहाँ पे, देख
रोड देख कितनी छोटी सी है ना, वहां से गिर गया। निकल गई बस, निकल गई, चलो रे आजो आजो। तो गाइस देखो यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है, तुमको आगे लैंडस्लाइड नहीं मिलेगा, हम बच गए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मौसी के। मौसी। किसकी मौसी? मेरी बहन है। अभी हम अम्मा की बहन के घर जा रहे हैं। वो भी बहुत क्यूट है यार, छोटा सा, कितनी क्यूट है, छोटी सी यार। और डरेगा, और डरेगा, और डरेगा। और ये बिल्ली है, बिल्ली। तो गाइस यहाँ पे घर इसी तरह से होते हैं, देखो मस्त मस्त, ये सारे घरूनी के ही हैं। चलो आप बैठो, मैं आम लेके आता हूँ। एक आम चाहिए मुझे इनमें से, फिर जल्दी आ, एक आम आराम से फूट जाएंगे साहिल, आराम से आराम से। ओहो दो निकल गए, एक दे दे मेरे को। कच्चे हैं क्या ये? कच्चे हैं, फिर तो रहने दे रहे, कच्चे क्या करेंगे हम? अरे मैं कच्चे देता हूँ आपको, घर में पकाना है। पकाना कैसे पकाएंगे? तो अभी हमने आम तोड़े, दो निकले और दोनों ही कच्चे थे, तो अभी ये वाले आम पके नहीं है। तो अभी हमको मिल गया यहाँ पर एक नाशपाती का पेड़, अभी हम खाएंगे नाशपाती। ये रहा नाशपाती का पेड़, ये पके हुए हैं, ये देखो कितने सारे नाशपाती हैं इसमें, सारे पके हुए हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक। कैच कराना मुझे एक। हाँ बस ये वाले ही तोड़ लो दो बस, ज्यादा नहीं खाएंगे हम एक ही खाएंगे। भाई क्या मस्त मीठे हो रहे हैं ये नाशपाती, नाशपाती बहुत मीठा है, खा के देख, एक थोड़ा सा खा के देख, कुछ नहीं होता। मीठे हो रहे बेटा? हाँ मीठे हैं, मीठे जी। लो अल्लाह तोड़ दे। ऑर्गेनिक नाशपाती मम्मी भी खा रही है, काट के सबको बांट के। एकदम जंगल के बीच में इनका घर ये वाला, और वॉशरूम वगैरह यहाँ पे घर से नीचे। इसकी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, बिकॉज अगर रात को जाना तो डर लगता है बाहर आने में ना, क्योंकि यहाँ पे बाघ वगैरह आते हैं। भैया ने वो आम रख दिए कच्चे वाले, कुछ और तोड़ के पूरे कट्टे में, कह रहे पक जाएंगे, पका लेना। हाँ, पका के खा लेंगे। चलो पका के खा लेंगे। छह बज चुके हैं, तो अभी सभी आए हैं हमको विदा करने के लिए, ये कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिल गए थे। चलो बैठो बैठो यार, फिर लेट हो जाएंगे, ऑलरेडी छह बज गए। बाय। तो फाइनली हम अपने गाँव में पहुँच चुके हैं, तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दिया है, सारे उतर चुके हैं, अब हम चलते हैं ऊपर घर में। अभी अभी जस्ट हम घर पे पहुंचे, अंधेरा हो गया, एंड ये कुछ भाई लोग हमारा वेट कर रहे थे काफी टाइम से, और केक भी लाए थे 7 मिलियन वाला, तो आज हमने 2 केक कट करे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू भैया। अब अंधेरे में जाओगे, डर नहीं लगता आपको? ना, ना, बस ठीक है, थैंक यू सो मच केक के लिए। तो अभी फिलहाल डिनर टाइम, चाची रोटी बना रही है, मम्मी उसमें घी लगा रही है, एंड आज लौकी की सब्जी बनी है, पीयूष खा रहे हैं। बाकी आज काफी मजा आया पूरी फैमिली के साथ में, अभी काफी थकान लग रही है बिकॉज बहुत ड्राइव किया था ना, और यहाँ पे लाइट नहीं है फिलहाल, तो बस डिनर करेंगे और फिर एडिट करके अपलोड करके सो जाऊंगा। तो अभी टाइम हो रहा है 10:39, और अपना एडिट हो चुका है फाइनली। यहाँ जल्दी जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ और काम तो है नहीं, खाना खा के बस एडिट पे लग जाता हूँ मैं। फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। डर रहे आप? अरे 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 अरे।